मेरा का गर्ल्स ऑन माया वे सॉन्ग बहुत पॉपुलर चल रहा है। जब मैंने उसको कवर किया अपने व्लॉग में तो मेरा वो व्लॉग जो है ना उस पर व्यूज़ और क्लिक रेशियो जो है ना बहुत ही बेहतरीन जा रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इसाक अहमद और आप देख रहे हैं साकी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आप काफ़ी अरसे से व्लॉगिंग कर रहे हैं, आपको लाइक सब्सक्राइब वॉच टाइम व्यूज़ कमेंट्स कुछ नहीं आ रहे, नाकाम हो अभी तक, तो इसका मतलब है आप भी मेरी तरह की गलतियां कर रहे हो। मैं भी बाय चांस जो है ना मेरा चैनल तो ग्रो हो गया लेकिन मैं ब्रांड नहीं बन सका, आप भी ब्रांड नहीं बने अभी तक। तो ब्रांड कैसे बने हम लोग, तो अभी जो है ना क्योंकि पहले मैं टच एंड ट्रिक्स कॉन्टेंट पर काम करता था, तो अभी जो है मैं व्लॉगिंग पर कर रहा हूँ, तो टच एंड ट्रिक्स कॉन्टेंट को मैंने रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद मेरे पास 1.25 लाख सब्सक्राइबर तो हैं लेकिन वो डेड सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। मगर जो स्ट्रेटजीज़ मैं जो है अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे इससे रिजल्ट मिल रहा है, तो आप वो रिज़ल्ट अगर देखना चाहें तो आपने अभी मैं बता देता हूँ, लेकिन ये करना ऐड में आपने, आप क्या कीजिएगा उस रिज़ल्ट को देखने के लिए कि मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है, मुझे क्या रिज़ल्ट मिल रहा है, तो ये देखने के लिए आप क्या कीजिएगा, जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी तो मेरे साकी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल जो नाम है ना उस नाम पे क्लिक करेंगे तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के होम पेज पे चले जाएंगे, वहाँ पर मेरी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। वहाँ पर जब देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि इसाक भाई कैसे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं और उन्हें कितने व्यूज़ आ रहे हैं, तो इससे आपको भी एक एनर्जी मिलेगी, आइडिया मिलेगा कि आप कैसे काम करें, आपको व्यूज़ मिलेंगे। मैंने जब रिसर्च किया तो मैंने देखा कि काफ़ी जो एक्सपर्ट यूट्यूबर्स हैं जो लोगों को गाइड करते हैं कि आप यूट्यूब पे कैसे काम करें, तो वो व्लॉगर्स को ये कहते हैं कि व्लॉगिंग की ना कोई एसईओ नहीं है, वाकई इसकी एसईओ नहीं है, मगर हम व्लॉगिंग में कैसे जो है शुरू में सर्वाइव करें, कैसे काम करें, कैसे रिजल्ट दें। या सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपने क्या करना है, अपने ना कंटेंट पे, कंटेंट से मतलब कि आपका थंबनेल, अगर थंबनेल अच्छा नहीं है तो यार एक हफ्ता 15 दिन 20 दिन लगा लें, थंबनेल बनाना सीख लें। लोगों ने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं यूट्यूब पे, देख लें, उनको फॉलो करें। अगर आप मोबाइल पे सीखना चाहते हैं तो मोबाइल ऐप मिलती हैं जिनमें आप अपनी वीडियोज़ के थंबनेल बना सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो कंप्यूटर पे भी आपको सॉफ्टवेयर ऐसे मिलते हैं जिन पे आप अपनी यूट्यूब के वीडियो के थंबनेल आसानी से बड़े लशपश बना सकते हैं, ठीक है। तो पहले ये थंबनेल बनाना सीख लें, उसके बाद आप जो आपकी वीडियो है उसकी एडिटिंग कैसे करनी है उस पर जो है आप 10-15 दिन 20 दिन लगा लें। अगर नहीं लगाने का दिल कर रहा, अगर ये नहीं करेंगे तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। लोग यार क्यों, आप जब आपका थंबनेल क्लिकेबल नहीं है तो लोग क्लिक क्यों करें, ठीक है ना। तो थंबनेल क्लिकेबल होगा फिर जब थंबनेल आपने अच्छा बना लिया लेकिन उसके अंदर जब वीडियो डालती हैं तो वीडियो देखने के काबिल नहीं होती, तो फिर आपकी वीडियो को कंप्लीट क्यों देखें लोग। देखें आप अगर 10-15 मिनट क्लिक भी मिल जाते हैं, क्लिक मिलने के बाद अगर लोग जो है ना आपकी वीडियो का अगर 5 मिनट की वीडियो है वो 30 सेकंड देखते हैं, 20 सेकंड देखते हैं, उसके बाद निकल जाते हैं, तो ये भी आपके चैनल को डैमेज करता है। तो इस वजह से फिर हमें वीडियो पे भी मेहनत करना पड़ती है कि वीडियो अच्छी बने ताकि लोग शुरू से लेकर आखिर तक देखें। आप एक अच्छी मालूमात देंगे तो वो आपकी वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, अदरवाइज छोड़ के निकल जाएंगे, आपको नुकसान। तो मैं जैसे अभी बता रहा हूँ आपको, अच्छा अब आपने क्या किया कि आपने थंबनेल भी अच्छा बना लिया है, वीडियो भी अच्छी बना ली है, अब आपको क्या करना चाहिए, अब आपको ये करना चाहिए कि यूट्यूब पे जो वायरल टॉपिक्स होते हैं उनको ढूंढें, उन पे अपना व्लॉग बनाएं, ठीक है। जैसे कि माया वे, गर्ल्स ऑन माया वे, ये एक गाना जो है ना निमरा मेहरा का बहुत वायरल हुआ है, मतलब कि इन अ डेज वायरल हुआ है। अच्छा मैंने क्या किया है, मैंने इस पर व्लॉग बनाया एक, और मेरा वो व्लॉग जो है ना व्यूज़ तो ले रहा है मेरी, उसमें भी एक थोड़ी सी गलती है जो मैंने गलती की है मैं मानता हूँ, उसमें ना स्टार्टिंग में मैंने जो निमरा मेहरा का जो चंद सेकंड्स का क्लिप लगाया है ना, मैंने मुझे ना उसका बैकग्राउंड रिमूव नहीं करना चाहिए था, मैंने किया, मैंने गलती की उसकी, तो मैंने वहाँ से एक्सपीरियंस ले लिया, नेक्स्ट टाइम ऐसी जो गलती नहीं करूँगा। मगर मैं बता रहा हूँ कि जब मैंने वो वायरल टॉपिक था ना निमरा मेहरा का गर्ल्स ऑन माया वे सॉन्ग बहुत पॉपुलर चल रहा है, जब मैंने उसको कवर किया अपने व्लॉग में तो मेरा वो व्लॉग जो है ना उस पर व्यूज़ और क्लिक रेशियो जो है ना बहुत ही बेहतरीन जा रही है। ये एक सैंपल मैंने बताया, आप भी इसी तरीके से यूट्यूब पे सर्च करें जो वायरल टॉपिक्स हैं उनको अपने व्लॉग में ऐड करके उन पर व्लॉग बनाएं। शुरू शुरू में आपको ये करना पड़ेगा, तो उसके बाद जो है ना आप क्या करें, एक और भी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि जो पॉपुलर यूट्यूबर्स हैं, जो मशहूर यूट्यूबर्स हैं, आप उनको अपने टॉपिक में ऐड करें। लाजमी नहीं है कि उनके पास जाके आप कहें कि यार मेरे साथ एक व्लॉग बना लें, शुरू में वो आपको टाइम भी नहीं देंगे, आपसे बात भी नहीं करेंगे, उनसे बात कैसे करनी है वो आगे मैं बताता हूँ।
अभी जो है आप ये करना है कि उनके लाइफस्टाइल में, उनके जो भी वो काम कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसा उनकी लाइफ में इवेंट आ जाता है, जैसे कि अभी महक शहजादी एक शरेकी ब्लॉगर्स हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया था, ये एक इवेंट था जो लोग जो है ना, मतलब कि अगर उस पर कॉन्टेंट बनाया जाता तो मैंने भी बनाया, थोड़ा सा लेट बना लिया तो उस पर जो है ना मुझे अच्छा रिस्पांस तो नहीं आया, मगर मैं बता रहा हूँ कि मैंने एक टॉपिक कवर किया कि वो जो है ना वायरल टॉपिक जा रहा था उस वक्त, एक इवेंट जो है ना हुआ था, ये एक हादसा हुआ था, इस पर लोग जो है वो वीडियोस देख रहे थे, तो मैंने भी उस पर बना दिया। आप भी इस तरीके से सर्च करें, देखें कि यार आज के दिन कौन सा टॉपिक जो है वायरल जा रहा है, आप उसको कवर करें अपने व्लॉग में, जो वायरल यूट्यूबर्स हैं उनके लाइफ के साथ जो भी चीज़ें हो रही हैं उनको आप अपने व्लॉग में ऐड करें, और व्लॉग लाजमी एक डेली बेस पर बनाएं। डेली बेस अगर काम करेंगे तो आपको यूट्यूब जो है आहिस्ता आहिस्ता रिकमेंडेशन में डालना शुरू कर देगा कि यार ये बंदा ना रेगुलर काम कर रहा है, रेगुलर लाजमी काम कर रहे हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आप जो पॉपुलर यूट्यूबर्स हैं उनसे आप कैसे मिलेंगे। उनसे मिलने का तरीकाकार ये है कि ये नहीं है कि आप जी अपना मोबाइल उठा लें और जी अस्सलाम वालेकुम, आज जो हम फलां यूट्यूबर से मिलने जा रहे हैं तो आज जो है हम उससे मिलेंगे, उसको शौक, यार वो शौक क्यों होगा? आप कोई पॉपुलर यूट्यूबर हैं जो आपको वो टाइम भी दे दिए और वो शौक भी होगा और आपको खुशी से टाइम भी दे देगा आपके साथ व्लॉग में। भाई आप पॉपुलर यूट्यूबर नहीं हैं, अगर पॉपुलर होते फिर वो टाइम देते। तो नए यूट्यूबर को या नए पर्सन को क्या करना चाहिए, वहाँ पर ना आप स्टार्टिंग में ये वाला व्लॉग ना बनाएं कि मैं उसके साथ जाके व्लॉग बनाऊंगा, जो है ना मैं ये करूंगा वो करूंगा सरप्राइज, ये नहीं। आप ये व्लॉग बना सकते हैं कि भाई आज जो है ना मैं फलां यूट्यूबर, जो भी यूट्यूबर से आप मिलने जा रहे हैं, आज मैं फलां यूट्यूबर से मिलने जा रहा हूँ, तो बेसिकली मैंने उससे टाइम लेना है अपने नेक्स्ट व्लॉग के लिए, जो मेरा प्रोजेक्ट होगा उसके लिए मैं टाइम लेना है, तो ये वाला आप व्लॉग बना सकते हैं, ये टॉपिक ऐड करके, मैं जा रहा हूँ, मैं सफ़र कर रहा हूँ, मैंने उससे मिला, उससे टाइम लिया, मैं नेक्स्ट टाइम जो है जाऊँगा तो उसके साथ व्लॉग बनाऊँगा। तो ऐसे करके पहला आपका मीटिंग या मीटअप व्लॉग होगा, ठीक है ना, उसके साथ व्लॉग नहीं बन रहा, ना ही वो आपको शॉर्ट आउट देगा। जब फिर आप उसके पास चले गए, चले जाने के बाद आप उससे बातचीत करेंगे तो वो फिर आपको बताएगा, आपको बताएगा कि वो आपके साथ व्लॉग कैसे शूट करेगा, मतलब कि वो एक दिन देगा, फिर आप उस दिन जाएं। अच्छा, उस दिन ही ना जब आप मीटिंग करने जाएंगे, मीटअप करने जाएंगे, तो वो व्लॉगर या जो भी यूट्यूबर होगा वो आपको बता देगा कि भाई अगर वो चार्ज करता है कि मैं इतने पैसे चार्ज करता हूँ, यार उनका हक बनता है, मैं यहाँ पर गलत बात नहीं कहूँगा कि यार वो मतलब कि उनको नहीं देने चाहिए पैसे, क्यों देने, ये यार उनकी भी मेहनत लगी है, वो आप ब्रांड बन चुके हैं, जब वो ब्रांड बन चुके हैं वो आपको शॉर्ट आउट दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके कारोबार को एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, तो वो इस एडवर्टाइज़ के तो पैसे लेंगे। जब आपको मशहूर कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि भाई इस बंदे को, इस बंदे के व्लॉग्स अच्छे होते हैं, इस बंदे को आप सब्सक्राइब करें, इसको देखें, जब वो ये बोलते हैं तो इसका मतलब है कि आपको ऑडियंस मिलेगी, अच्छी खासी मिलेगी। अगर वो बंदा पॉपुलर हुआ तो आपको अच्छी खासी ऑडियंस मिलेगी। इससे क्या होगा कि जो उसके चार्जेस होंगे वो आपको बता देगा, आप पे करें, उसके बाद जो उसने आपको टाइम दिया होगा तो उस दिन जाके, उस दिन घर से उठते ही मैं जी आज जो व्लॉग बनाने जा रहा हूँ, मैं फलां बंदे को बेल के व्लॉग बनाऊंगा, तो आज उसके साथ मज़ा आएगा, एंजॉय करेंगे, ये बोलते हुए अपना जो सफ़र है जो भी है उसके घर तक जाते हुए आप व्लॉग शूट करें, क्लिप्स रिकॉर्ड करें, फिर उसके साथ जो है आप अपना व्लॉग रिकॉर्ड करें, वो व्लॉग बन गया उसके बाद आप पब्लिश करें, तो इंशाल्लाह इससे भी बेनिफिट होगा। काफ़ी आपको ऐसे यूट्यूबर्स भी होंगे जो आपको फ्री सपोर्ट करेंगे, और होते हैं काफ़ी लोग, और काफ़ी चार्ज करते हैं, तो हम चार्ज करने वालों को भी बुरा नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने भी अपना एक टाइम स्पेंड करके एक ब्रांड बने हैं, ब्रांड बनने के बाद जब भी वो किसी के कारोबार को एडवर्टाइज़ करेंगे तो उनका हक बनता है चार्ज करना। अगर ये नहीं कर सकते, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप अपने ब्लॉग्स में उन यूट्यूबर्स की लाइफ के साथ जो इवेंट्स हो रहे होते हैं, जो भी वो काम कर रहे होते हैं, जो गाड़ी ले ली उसने, उसकी लाइफ में कोई हादसा हो गया, उसकी बहन बीमार हो गई, उसका बाप बीमार हो गया, फलां कोई भी ऐसी चीज़ हो गई है, कोई शादी हो गई, उनके घर बच्चा पैदा हो गया, कुछ भी ऐसा वैसा हुआ है, कोई ऐसा इवेंट हुआ है, उसको आप अपने व्लॉग में जो है ना अच्छे अंदाज में प्रजेंट कर दें, लोग आपकी वीडियोज़ को लाजमी क्लिक करेंगे। लेकिन क्लिक क्यों करेंगे? अगर आपका थंबनेल अच्छा बना होगा, अगर आपने थंबनेल बनाना सीखा होगा, फिर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी वीडियो को वॉच करेंगे। वॉच क्यों करेंगे? अगर आपने वीडियोस को बनाने का इफ़ेक्ट लगाने का तरीकाकार सीखा होगा, अगर आपने ये नहीं सीखा होगा तो आपको वॉच किए बगैर ही चंद सेकंड देखे बगैर ही निकल जाएंगे, तो ये भी आपको डैमेज करेगा। तो आप इन दो कामों पे पहले अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर लें। अच्छा खासा क्या यार, 20 दिन ही 30 दिन ही काफ़ी हैं,
15 दिन जो है थंबनेल बनाने पे सीख लें, 15 दिन जो है आप वीडियोस की एडिटिंग पे लगा लें, तो माशाल्लाह आप टैलेंटेड होंगे। मेरे ख्याल में 30 दिन भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा कह रहा हूँ, आप इनसे कम दिनों में ही अच्छा खासा जो है थंबनेल और वीडियोज़ को बनाना सीख जाएंगे। तो जब ये चीज़ें कर लेंगे उसके बाद आपको जो उन पॉपुलर वायरल टॉपिक्स की ऑडियंस होगी ना वो ढूंढ के आ जाए। उसके बाद उन्होंने आपको देख लिया, इसका मतलब है कि वो आहिस्ता आहिस्ता आपको जानना शुरू कर देंगे। जब वो जानना शुरू कर देंगे तो आप एक ब्रांड बनना शुरू हो जाएंगे। जब आप एक ब्रांड बन जाएंगे तो लोग आपको ढूंढ के आएंगे। ब्रांड बनने का बेनिफिट ये होता है, तो मैं इसी वजह से कहता हूँ कि ब्रांड बने। अच्छा, उसके अलावा आप अगर एक प्रॉपर प्रोसीजर सीखना चाहते हैं कि मैं कैसे वीडियोज़ जो है ना बनाऊँ, कैसे रिसर्च करूं, कैसे काम करूं मैं, तो क्योंकि मैं इस पर जो है ना प्रॉपर ट्यूटोरियल नहीं बना सकता, मैं जस्ट ये सजेस्ट कर सकता हूं कि इसरार छीना सर्च करें आप यूट्यूब पे, तो आपको इसरार छीना भाई जो एक यूट्यूबर हैं, एक्सपर्ट हैं, उन्होंने ना 2 घंटे का ट्यूटोरियल बनाया हुआ है। आप जो है ना उसको इनरोल कर लें, ठीक है? तो इनरोल करने के बाद 1000 उनकी चार्जेस फीस हैं। मैं यहाँ पर जो है ना ये ऐसे मान लें कि उनको मैं एडवर्टाइज़ नहीं कर रहा, जस्ट मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ अगर आप सीखना चाहते हैं, ठीक है? तो आप जो है ये सर्च करके उसका 2 घंटे वाला वो जो कोर्स है उसको देखेंगे। मैंने भी यार इनरोल किया था उसमें, मैंने भी पैसे दिए हैं, मैंने उसको देखा है और वाकई उसने जो चीज़ें बताई थी ना वो बेहतरीन बताई हुई हैं। उसके बाद आप सीख लेंगे कि आप कैसे रिसर्च कर सकते हैं, कैसे थंबनेल बना सकते हैं, कैसे ब्लॉगिंग कर सकते हैं, कैसे एक ब्रांड बन सकते हैं। आप को बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा वो वीडियो देखने के बाद भी। तो उम्मीद है कि आज की ये वीडियो कुछ लंबी तो हो गई है, मगर आपको इसने अच्छा नॉलेज दिया होगा। आप इस नॉलेज को फॉलो करके आप भी एक अच्छी ऑडियंस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं और एक ब्रांड बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताइएगा। अगर आपके माइंड में भी कोई अच्छी सजेशन हो, इसमें मेरे जो टॉपिक है इस टॉपिक के हवाले से कोई रेलिवेंट सजेशन हो तो आप कमेंट में लाजमी बताइएगा। उसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई ऐसा कमेंट नहीं आ रहा तो यार सपोर्ट या लव यू साकी या साकी बाय सपोर्टिंग यू ऐसा कमेंट कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक ये वीडियो यहाँ पे क्लोज हो रही है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए साक अहमद को दें इजाज़त और देखते रहें साकी व्लॉग यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़, रब रखा, बाय बाय, अस्सलामु अलैकुम।